हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि समर और रेनी सीजन का बहुत ही बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, जो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो उसी केयर टिप्स पे बात करूँगी, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वो प्लांट है मोगरा का प्लांट, जो कि बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है और इतनी ज़्यादा, जैसे ये टेरिस पे आओ तो बिल्कुल इसकी खुशबू पूरी फैली हुई होती है और बहुत ही ज़्यादा, यानी बिल्कुल फ्रेग्रेंस वाला प्लांट है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसके फूल भी होते हैं और इसके प्लांट भी बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो ये देखिए मेरा मोगरा का प्लांट है। कुछ दिन पहले मैंने आपको इसका फर्टिलाइज़र भी बताया था, क्या क्या फर्टिलाइज़र हमको देना चाहिए जिससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो और फ्लावरिंग पे भी आए। तो ये लगभग दूसरी या तीसरी बार फ्लावरिंग पे आया हुआ है। पहले भी ये दो बार अच्छे से फ्लावरिंग कर चुका है और अभी पूरे रेनी सीजन और पूरे, मतलब कि पूरे समर सीजन पूरे रेनी सीजन ये फ्लावरिंग करने वाला है। बहुत ही परमानेंट प्लांट है, बहुत ही अच्छा प्लांट है और इसकी जो फूल होते हैं वो भी बिल्कुल ऐसे बंच में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो बस इसी केयर टिप्स पे आपसे बात करनी है। तो आप इसको क्या फर्टिलाइज़र दे सकते हैं? आप इसको बोन मिल दे सकते हैं, इसको वर्मी कंपोस्ट दीजिए अच्छे से, हर महीने लगभग 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी आप अपने प्लांट के हिसाब से दीजिए। मेरा प्लांट देखिए काफ़ी बड़े प्लांटर में लगा है, ये जो ऑयल के टिन प्लांटर होते हैं उन्हीं मैंने लगा के रखा है। जितने भी मेरे हिबिस्कस लगे हुए हैं ये भी सारे इसी में लगे हैं, ये जो आप देख सकते हैं, और जो बड़े प्लांट हैं मैंने सभी में लगाया है। लगभग 2-2 साल से इसी में लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से चल भी रहे हैं। जब मैंने इसको कटिंग से लगाया था और इसी में इसको रिपोर्ट कर दिया था, तो ये बहुत अच्छे से, देखिए आप पूरा, यानी इसने इतना जगह को कवर किया हुआ है। और मैं हर फेब में इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ और उसके बाद ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो फरवरी में इसकी प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है और आप रेनी सीजन में भी इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन रेनी सीजन में फिर आप इसके बस ऊपर की टिप को प्रून करते रहिए। प्रूनिंग इसको हर समय करनी है। जैसे ही फ्लावर आपके झड़ जाते हैं, जैसे यहाँ से फ्लावर झड़ जाएंगे पूरे, तो आपको यहाँ से लेकर के 2 पत्तियाँ लेकर के आप इसको कट कर देना। तो आपके प्लांट में न्यू ब्रांच देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें न्यू ब्रांच निकल कर आई हैं और मैं इसी तरह से करती हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा यानी मात्रा में फूल आते हैं। प्रूनिंग करने से ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है प्लांट की और बिल्कुल इस तरह से कलियों और फूलों से भर जाता है प्लांट। तो मैंने 5 में प्रूनिंग की थी, अभी उसके बाद मैंने जब ये फिर से फ्लावरिंग खत्म हो गई इसकी, तो मैंने दोबारा से फिर से इसकी प्रूनिंग कर दी है। इस बार मैंने सिर्फ इसकी लाइट प्रूनिंग की थी, ऊपर ऊपर इसकी टिप को इतना इतना थोड़ा थोड़ा कट किया था। और 5 में तो मैंने बिल्कुल इसकी हार्ड प्रूनिंग करी थी, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट दिया अच्छे से, या फिर गोबर की खाद भी दे सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी दे सकते हैं, और बोन मिल भी दिया, नीम की खली दी, ये सब चीज़ें, ये फर्टिलाइज़र मैंने सब दिया है इसको। और बनाना पील का फर्टिलाइज़र भी मैंने इसको दिया है, मैंने कंपोस्ट बना के रखी थी बनाना पील की, उसको भी दिया है। आप उसका लिक्विड भी दे सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं, या फिर उसका कंपोस्ट भी बना करके दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप बनाना पिल नहीं बना पाते हैं या नहीं है आपके पास, तो आप केमिकल में पोटास भी इसको दे सकते हैं, बहुत अच्छा यानी काम करता है। सुपर फास्फेट भी दे सकते हैं। तो मैं तो बनाना पिल देती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है उससे। और बनाना पिल तो मुझे लगता है सभी के घर में मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो आप उसका लिक्विड भी दे सकते हैं और पाउडर उसको सुखा करके, ड्राई करके, और उसका पाउडर बना करके भी आप उसको दे सकते हैं। हर 15 दिन में ये फर्टिलाइज़र आप दीजिए अपने प्लांट को। आप फ्रूट के जो फर्टिलाइज़र हैं उनको भी आप बना कर दे सकते हैं, जैसे ऑरेंज हो गए, मौसमी हो गए, नींबू हो गए, और भी जो एप्पल वगैरह सभी के, यानी जितने भी फ्रूट आपके घर में आते हो सभी का आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए। 2 दिन उसको रखिए पानी में और उसके बाद उसको छान करके अपने प्लांट को दे दीजिए, तो उससे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और प्लांट को जो नींबू और संतरे के जो छिलके होते हैं उनसे एसिडिक, इसका पीएच लेवल भी काफ़ी अच्छा हो जाता है प्लांट का। मैंने इसमें फिटकरी भी डाला हुआ था, उस टाइम पे मैंने आपको वीडियो आपके साथ शेयर की थी। तो आप अपने प्लांट में थोड़ा सा उसकी मिट्टी को एसिडिक करने के लिए आप फिटकरी का एक टुकड़ा भी अपने गमले में डाल सकते हैं, उससे क्या होगा आपके जो सॉइल है उसका पीएच लेवल बिल्कुल मेंटेन रहेगा और प्लांट आपके काफ़ी अच्छे हेल्दी रहेंगे, क्योंकि इनको एसिडिक सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसे ही मतलब कि धीरे धीरे पीएच लेवल कम होते जाता है तो प्लांट ख़राब होते जाते हैं, अच्छे से वो अपने अंदर जितना भी फर्टिलाइज़र होता है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो आप रोज में भी कर सकते हैं, हिबिस्कस में भी आपको उसको फिटकरी को दे सकते हैं और इसमें भी दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसका मिलता है। मुझे तो काफ़ी अच्छा मिलता है, तो मैं आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जो चीज़ें मैं अपने प्लांट पर ट्राई कर चुकी होती हूँ वही चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपको कभी कभी नुकसान का सामना ना करना पड़े। नहीं तो आप लोग तो बाद में यही कहेंगे कि मैंने ऐसा बताया तो आपके प्लांट ख़राब हो गए।
तो मेरे प्लांट जिस चीज़ से अच्छी ग्रोथ करते हैं वही मैं आपको बताती हूँ। सन रिक्वायरमेंट को बता दूँ, मेरे प्लांट थर्ड फ्लोर पे रखे हुए हैं और इनमें पूरी सनलाइट, फुल सनलाइट मतलब 12 से 13 घंटे जितने भी सनलाइट होती है, सुबह से लेकर 6 बजे 7 बजे की पूरी शाम तक की सनलाइट बिल्कुल फुल आती है। लेकिन एक चीज़ होता है, इनके फ्लावर बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा एरिया है जहाँ पे मतलब आप 3-4 घंटे की सनलाइट इनको अच्छी लगे सुबह की, और बिल्कुल जो दोपहर की धूप होती है फ्लावरिंग के टाइम में खास करके, क्योंकि इनके फूल ज़्यादा दिनों तक फिर नहीं टिकते हैं, एक दिन आधे दिन में ही झड़ के सूख के ख़त्म हो जाते हैं। मेरे फ्लावर बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है थोड़ा सा फूलों का जो मतलब ज़्यादा देर तक टिके रहेंगे आपके, 1 दिन रहेंगे 2 दिन रहेंगे ऐसे रह सकते हैं, और नहीं तो ज़्यादा तेज धूप लगती है तो फिर इसके फूल बहुत जल्दी बर्न हो जाते हैं। पानी जब दें तो आप पानी इसको अच्छे से स्प्रे करके दीजिए, बिल्कुल प्लांट को पूरा नहला कर पानी दीजिए। तो मैं तो सुबह ही पानी देती हूँ, लेकिन अच्छे से इनको बढ़िया ऊपर से सावरिंग करके नहला के पानी देती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे हेल्दी रहते हैं। और देखिए आप कितनी शाइनी और सुंदर इनकी पत्तियाँ हैं, फूल भी बहुत सुंदर सुंदर आते हैं। तो बस आप यही चीज़ का ध्यान रखिए, हो सके तो थोड़ा सा दोपहर की धूप से आप इसको बचाइए, नहीं तो मेरे तो फुल सनलाइट में देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि सनलाइट भी इनको काफ़ी पसंद है। बस यही होता है जो फूल खिलते हैं वो थोड़ा सा बर्न हो जाते हैं ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से, और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वैसे भी 1-2 दिन में फूल तो झड़ ही जाते हैं। तो डेली के डेली आप यानी फूलों को हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, भगवान जी में चढ़ा सकते हैं, और देखने में तो बड़े ही सुंदर लगते हैं। इनकी खुशबू इतनी ज़्यादा इस समय मेरे पूरे छत पे फैली रहती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए कितने ज़्यादा फैले हुए हैं ये चारों तरफ से, यहाँ पर भी देखिए एक ब्रांच ऐसा लग रहा है दूसरे गमले में लगा हुआ है, देखिए इधर भी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये घना भी हो गया है मेरा प्लांट, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है। तो बस यही चीज़ें आप भी अपने प्लांट पर करते रहिए, प्लांट की गुड़ाई भी कर दीजिए कभी कभी, जब भी आप फर्टिलाइजर दें उससे पहले प्लांट की गुड़ाई कर दें थोड़ा सा। मेरे गमले में तो मैंने आपको दिखाया बिल्कुल जगह नहीं है गुड़ाई करने तक की, जगह नहीं, इतना ज़्यादा इसने फैल रखा है कि बस मैं फर्टिलाइजर डाल देती हूँ और पानी डाल देती हूँ, बस ये उसी से चलता रहता है, कुछ खास इसमें गुड़ाई नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आपके गमले में अगर अच्छे से बन रहा है तो आप गुड़ाई ज़रूर करिए प्लांट की, महीने में 1-2 बार ज़रूर कर दीजिए। तो बस फ्रेंड्स आप भी इस तरह से केयर करेंगे तो आपके मोगरा इसी तरह बिल्कुल फूलों से भरे रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।